हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको वीडियो का थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम एक HTML वेब प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस तरह से आप उस HTML वेब प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप मेरे द्वारा बनाई गई HTML पर जो हिंदी में बुक है उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। जब आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। इस प्रोजेक्ट को किस तरह से डाउनलोड करना है मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा। जब ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाए तो आप इसे क्या करें, डाउनलोड वाले फोल्डर से कट करके एक नया फोल्डर बनाकर उसमें पेस्ट कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और जहां लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट हियर, इस पर क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यदि आपके कंप्यूटर में विनरार सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये कुछ इस तरह से नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप विनरार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से लिंक को फॉलो करें और विनरार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसका सेटअप चला लें। उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी विनरार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे कंप्यूटर में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और जहां लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट हियर, मैं इस पर क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको एक फोल्डर बना हुआ दिखाई देगा जहां लिखा हुआ है HTML book underscore project। आप इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। इस फोल्डर के अंदर आपको दो फाइल नजर आएगी, एक HTML वेबसाइट प्रोजेक्ट है और एक HTML की बुक है। सबसे पहले इस वीडियो में हम HTML का जो वेबसाइट प्रोजेक्ट है उस पर काम कर देखेंगे, फिर मैं आपको HTML की बुक बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर काफी सारे फोल्डर्स नजर आएंगे। आपको इन फोल्डर्स में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको ये होम वाली जो फाइल दिखाई दे रही है इसे ओपन करके देखना है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट एक MP3 सॉन्ग के लिए बनाई गई वेबसाइट है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉप 10 पंजाबी सॉन्ग, टॉप 10 न्यू सॉन्ग, टॉप 10 सैड सॉन्ग और ऐसे हमने और भी कई कैटेगरी बनाई हुई है। ये वेबसाइट केवल HTML लैंग्वेज का यूज करके ही बनाई गई है, इसमें कोई अदर लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको इसके अंदर क्या होगा, सॉन्ग कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। आप जिस भी सॉन्ग को प्ले करके देखना चाहते हैं, जस्ट आप प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। और जैसे ही आप उस सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप डाउनलोड पर क्लिक करके उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक HTML में बनी हुई वेबसाइट है। फ्रेंड देखिए, जैसे हम प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉन्ग प्ले नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से इस वेबसाइट को आप एडिट करके अपने लिए बना सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को आप पूरा एडिट कर लेंगे तो ये वेबसाइट आपके लिए तैयार हो जाएगी और आप इस HTML प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में भी सबमिट करवा सकते हैं। यदि आपसे कोई HTML का प्रोजेक्ट मांगा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने से पहले सबसे पहले आपको ये सेटअप करना होगा कि कौन कौन से आपको सॉन्ग इस वेबसाइट में लगाने, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए पहले और उन सॉन्ग्स को पहले आप क्या करें, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उन सॉन्ग्स को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर इस वेबसाइट प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर देखेंगे, फोल्डर का नाम है फाइल्स। इस फाइल्स वाले फोल्डर में पेस्ट करना होगा। फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दो सॉन्ग पेस्ट करके दिखाता हूँ जो मेरे ही कंप्यूटर से मैंने कॉपी करके रखे हुए हैं। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर ये जो सॉन्ग है इन्हें कॉपी कर लिया है। अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पेस्ट करा है हमने, फाइल नाम के फोल्डर में। चलिए एक बार मैं आपको पीछे ले जाकर दिखा देता हूँ। फाइल नाम के फोल्डर में जो ये फाइल्स नाम का फोल्डर है, अगर आप इसमें सॉन्ग्स को पेस्ट नहीं करेंगे तो वो वेब पेज पर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हमने लोकेशन के रूप में ये वाला फोल्डर सेट किया हुआ है। अब मैंने इसके अंदर दो सॉन्ग को पेस्ट कर दिया है। अब मैं उन सॉन्ग्स को आपको उस वेबसाइट पर लगाकर दिखाता हूँ। एक बार हम वापस से वेबसाइट को ओपन करते हैं। मान लीजिए जो हम सॉन्ग लगाना चाहते हैं वो टॉप 10 न्यू सॉन्ग वाले वेब पेज पर लगाना चाहते हैं, और वो भी कहाँ पर, ये सेकंड वाली पोजीशन पे, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाली पोजीशन पे सॉन्ग लग चुका है। क्यों लग चुका है, क्योंकि मैंने पाथ तो पहले ही सेट किया हुआ था, बस सॉन्ग जैसे ही पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक उसको सॉन्ग मिल गया। आप देखिए प्ले भी होगा। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर प्ले भी हुआ है।
लेकिन ये जो सेकंड वाला सॉन्ग है ये प्ले नहीं हो रहा, तो मैं आपको सेकंड वाला सॉन्ग लगाकर दिखाऊंगा, फर्स्ट मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो कौन से वाले बैक पेज पर लगा रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉप 10 न्यू सॉन्ग। तो ये टॉप 10 न्यू सॉन्ग वाला बैक पेज कहाँ पर है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। देखिए फ्रेंड, आप ये सारे फोल्डर देख पा रहे हैं, इसमें से जो आपको न्यू वाला फोल्डर दिखाई दे रहा है इसे ओपन करिए। फ्रेंड्स, जो ये आपको एंड वाला वेब पेज दिखाई दे रहा है ये वही न्यू सॉन्ग वाला वेब पेज है, तो इसे आप राइट क्लिक करें और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लें। यदि आपके कंप्यूटर में नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो इसे आप गूगल पे जाकर नोटपैड प्लस प्लस की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सोर्स कोड हमारा ओपन हो चुका है। अब इस सोर्स कोड में आपको नीचे आना है, और यदि आपको एचटीएमएल लैंग्वेज आती है तो आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। पर देखिए, अभी हम नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद आपको जहाँ पर भी सबसे पहले ऑडियो टैग लगा दिखाई दे, आप समझ जाएं कि ये वही ऑडियो टैग है जिसकी वजह से ऑडियो प्ले हो रहा है। मैंने जो एचटीएमएल के वीडियो थे उसमें भी मैंने आपको ऑडियो टैग के बारे में बताया हुआ है, तो ऑडियो टैग की वजह से ही हमारा MP3 सॉन्ग प्ले होता है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको केवल जहां पर ये सॉन्ग का नाम लिखा हुआ है .mp3 से पहले, बस वहां पर आपको सॉन्ग का नाम पेस्ट करना है। देखिए सॉन्ग का नाम क्या है वो फोल्डर में जाने से पता लगेगा, तो चलिए फोल्डर में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सॉन्ग का नाम है हमारा दूरी। अब हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ये जो सॉन्ग का नाम यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी कर लेना है आपको। आप कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से F2 बटन दबा दें, जिससे ये क्या हो जाए, रीनेम हो जाए। जब ये रीनेम हो जाए तो आप इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, आपको वहां टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहां जाके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट सॉन्ग तो मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख रहे हैं यहाँ पर दूरी लिखा हुआ है, आप एक बार यहाँ भी दूरी लिख दें। फिर आपको कहाँ लिखना है दूरी, यहाँ भी दूरी लिखना है। तो ये जो सेकंड वाला टैग यहाँ पर लगा हुआ है ये डाउनलोड के लिए लगा हुआ है, कि जब कोई आपके डाउनलोड वाले लिंक पर क्लिक करेगा तो ये सॉन्ग डाउनलोड हो जाएगा। फर्स्ट वाले टैग की वजह से ऑडियो प्ले हो रहा है और सेकंड वाले टैग की वजह से ऑडियो डाउनलोड होगा। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट सॉन्ग तो लगा हुआ था, मैं आपको सेकंड सॉन्ग लगाकर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से वहां पर लगेगा। फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पर आपने सॉन्ग को पेस्ट किया था आप उस लोकेशन पे जाए। कहां किया था आपने, फाइल्स नाम के फोल्डर में। हम इस फोल्डर में आ चुके हैं, यहां पर आपको सॉन्ग के नाम दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट सॉन्ग हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हमें सेकंड सॉन्ग लगाना है, तो आप इसे भी रिनेम करें। मैंने F2 बटन कीबोर्ड से प्रेस करा जिससे रिनेम हो गया। अब राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और वहां जाकर पेस्ट करूंगा। तो चलिए सोर्स कोड में चल रहे हैं, अब हम कहाँ आ चुके हैं, सोर्स कोड में। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला ऑडियो चेंज करना है। तो देखिए सेकंड वाला ऑडियो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। आप ऑडियो टैग को काउंट करिएगा, आप बाकी कुछ काउंट मत करिएगा। क्या काउंट करिएगा, ऑडियो टैग को काउंट करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, सेकंड वाला ऑडियो टैग ढूंढ लिया, आप काउंट कर लीजिएगा ऊपर से। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, जहां लिखा हुआ है बारिश ट्यूनअप 10.com, यहां तक मैंने इसे सेलेक्ट करा और यहां पर उस सॉन्ग के नाम को यहां पर पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहां पर लिखा गया जो सॉन्ग हमारा था वो यहां पर आ चुका है। .mp3 लगाना कंपलसरी, यदि आपने .mp3 हटा दिया तो आपका सॉन्ग प्ले नहीं होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, .mp3 आपका नहीं हट जाए। सॉन्ग के नाम के बाद .mp3 लगा हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी चेंज करना है क्योंकि ये डाउनलोड के लिए है। देखिए मैंने इसको भी चेंज कर दिया, ये हमारा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करके इस वेब पेज को सेव कर लेना है, और अब आप उस वेब पेज को ओपन करके देखिए, आपका सेकंड सॉन्ग भी प्ले हो जाएगा। तो चलिए उसको हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, हम चाहे तो होम से भी जा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट उस वेब पेज को भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने न्यू वाले वेब पेज पर लगाया था, उसे डबल क्लिक करके हमने ओपन कर लिया। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड सॉन्ग दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं, और हम जैसे ही प्ले बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा सॉन्ग प्ले हो गया। लेकिन आगे के सॉन्ग प्ले नहीं होंगे क्योंकि हमने नहीं लगाए हुए हैं। तो आप ऐसे करके आगे की सॉन्ग भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप इन वॉलपेपर्स को बदल सकते हैं, सॉन्ग के अकॉर्डिंग इन वॉलपेपर्स को आप चेंज कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है कोड। देखिए फ्रेंड, इसका कोड यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये धूरी वाला जो सॉन्ग था इसके ऊपर आप देखिए TD अलाइन राइट, ये तो हमारा टेबल टैग हो गया। ये जहां लिखा हुआ IMG SRC इमेजेस, तो इमेजेस में जो इमेज का नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इतना, ये इमेज का नाम है। आप क्या करें, देखिए मैं आपको इमेजेस नाम के फोल्डर में जाकर दिखाता हूँ। पहले आप एक इमेज उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग ढूंढ लीजिए और उस इमेज को आप उसमें पेस्ट कर दीजिए फोल्डर में, किसके अंदर, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर, और जो भी उस इमेज का नाम है
वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपकी इमेज भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो इमेजेस वाला आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है, सभी उस वेबसाइट में यूज इमेजेस आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगी। आप जिस भी इमेज को रिप्लेस करेंगे वो इमेज वहां पर भी चेंज हो जाएगी। यदि आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो इमेज भी वहां से डिलीट हो जाएगी। यदि फ्रेंड आपने मेरे HTML के सभी वीडियोस ध्यान से देखे हैं, और यदि आपने नहीं भी देखे हैं तो इस प्रोजेक्ट के साथ एक HTML की बुक भी मैं आपको दे रहा हूँ। उस बुक के जरिए भी आप HTML को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब HTML सीखने के बाद आप इस वेबसाइट को आसानी से एडिट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप हर वेब पेज के अंदर जाकर अपने अकॉर्डिंग सॉन्ग्स को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको जितने भी फोल्डर नजर आ रहे हैं इन सभी फोल्डर्स के अंदर क्या है, वेब पेजेस हैं। उस वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस यूज हो रहे हैं वो सभी वेब पेजेस इन फोल्डर के अंदर ही हैं। आप इन्हें नोटपैड में ओपन करके एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम HTML बुक को देखेंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए HTML पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को मिलाकर बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक बुक बनाई है। इस बुक के जरिए आप HTML को बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड इस बुक के अंदर आपको ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स हैं। आपको केवल क्या करना है, जिस भी टॉपिक पे जाना है उस पर क्लिक कर देना है, सीधे उस टॉपिक पर आपको पहुंचा देगा। तो इस तरह से इस बुक को आप पढ़िए। बुक यदि आपको अच्छी लगे तो आप आगे से किसी और को भी सजेस्ट करिएगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस बुक को और इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा। चलिए हम उस पर क्लिक कर देखते हैं। जैसे फ्रेंड आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन नजर आएगा। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए और उस ई बुक के लिए छोटा सा अमाउंट डिसाइड करके रखा हुआ है, ये अमाउंट है 50 रुपीज। आप 50 रुपीज ऑनलाइन पे करके आप इस बुक को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको वैसा ही ऑप्शन नजर आ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था। फ्रेंड यदि आपने उस प्रोजेक्ट को देखा होगा तो 50 रुपीज अमाउंट बहुत ही कम है। आप उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी HTML प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। उसमें जितने भी HTML के टैग होते हैं वो सभी यूज किए गए हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको अपना नाम भर देना है। नाम भरने के बाद अपना एक ईमेल एड्रेस दीजिए, ये कोई भी हो सकता है, और आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर दीजिए। देन आप क्या करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देन मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ्रेंड देखिए जितने भी आपको पेमेंट के ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पर वो सब आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये इंस्टामोजो बहुत ही सिक्योर पेमेंट गेटवे, आप इसकी जानकारी ऑनलाइन जाकर ले सकते हैं। यहाँ से पेमेंट आप सिक्योरली कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में UPI है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। और वॉलेट में आपके पास ये सभी ऑप्शन है, आप इनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप क्या करें, किसी भी साइबर कैफे पे जाएं, आप उनसे पेमेंट कंफर्म करवा दीजिए और आप उन्हें 50 रुपी कैश दे दीजिए। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होता है आपके कंप्यूटर में प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, आप उसके बाद उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको आपको फ्री में भी दे सकता था, लेकिन यदि हम कोई चीज पैसों में खरीदते हैं तो उस पर पूरे मन और लगन से काम करते हैं, इसलिए मैं इसका कुछ अमाउंट रखा हूं। सो फ्रेंड आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये HTML का लास्ट वीडियो था। अब आप जो CSS की सीरीज चल रही है उसे देखिए, क्योंकि HTML के बाद CSS आता है, और CSS और HTML की हेल्प से ही आगे बहुत अच्छी आप वेबसाइट बना सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।